हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक हेल्प। फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक पुलिस एलईडी फ्लासर सर्किट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले एज यूजुअल मेरा एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकॉन है उस आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर उस आइकॉन को आप लोग क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा और उस वीडियो को आप लोग तुरंत ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। दोस्तों, ये एक पुलिस एलईडी फ्लासर सर्किट है। फ्रेंड्स, देखिए ये दो तार है इस सर्किट का, पावर सप्लाई का दो तार। दोस्तों, ये सर्किट 12 वोल्ट पावर सप्लाई से काम करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, सर्किट के साथ मैंने यहां पर तीन ब्लू कलर का और तीन रेड कलर का एलईडी बल्ब लगाया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप इससे थोड़ा ज्यादा एलईडी भी आप इस सर्किट के साथ लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, सर्किट में मैंने यहां पर एक प्रीसेट लगाया है। दोस्तों, इस प्रीसेट को एडजस्ट करके आप एलईडी फ्लैशिंग स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक ब्लैंक पीसीबी बोर्ड का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस 555 टाइमर आईसी। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, दोस्तों देखिए, ये जो 555 टाइमर आईसी है इसमें टोटल 8 पॉइंट्स है। और फ्रेंड्स देखिए, आईसी में यहां पर ये जो कटा हुआ भाग है इसके इस साइड में ये जो सारे पॉइंट्स है ये है एक नंबर से लेके चार नंबर तक। और दोस्तों देखिए, आईसी के इस साइड में ये जो सारे पॉइंट्स है ये है पांच नंबर से लेके आठ नंबर तक। और दोस्तों, ये जो आठ नंबर पॉइंट है ये है इस आईसी का पॉजिटिव पॉइंट। और दोस्तों, ये जो एक नंबर पॉइंट है ये है इस आईसी का नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें ये दो आईसी बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद अब हमें ये दो आईसी बोर्ड के साथ सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें इस तार को इस आईसी के आठ नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर करना है। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है इस आईसी के आठ नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा और एक तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें इस तार को इस आईसी के एक नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर करना है। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है इस आईसी के एक नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें एक तार को सोल्डर करना है इस आईसी के दो नंबर और छह नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें दूसरा तार सोल्डर करना है इस आईसी के दो नंबर और छह नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 NF कैपेसिटर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर का एक पॉइंट सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर इस आईसी का दो नंबर और छह नंबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर इस आईसी का एक नंबर पॉइंट और इस आईसी का एक नंबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस 100K रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 100K रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें इस रजिस्टर को बोर्ड में ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस 100K रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर इस आईसी का दो नंबर और छह नंबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद इस 100K रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस आईसी के तीन नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दूसरा 100K रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम लोग बोर्ड में ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए,
अब हमें इस 100K रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए यहां पर इस आईसी का 2 नंबर, 6 नंबर और 100 NF कैपेसिटर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद इस 100K रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हमें सोल्डर करना है इस आईसी के 3 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 2.2 UF 63 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस कैपेसिटर को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। दोस्तों देखिए कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है ये है इस साइड में और जो पॉजिटिव पॉइंट है ये है इस साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए यहां पर इस आईसी का 1 नंबर पॉइंट, इस आईसी का 1 नंबर पॉइंट और 100 NF कैपेसिटर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट हमें बोर्ड के साथ सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 100K प्रीसेट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस प्रीसेट को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद इसे हम लोग बोर्ड के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 2 तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें 1 तार को सोल्डर करना है प्रीसेट के इस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स उसी तार को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए यहां पर 2.2 UF 63 वोल्ट कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट जो हमने बोर्ड के साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें दूसरा तार सोल्डर करना है प्रीसेट के मिडिल पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए यहां पर इस आईसी का 2 नंबर, 6 नंबर और 100K रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक 22 UF 63 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस कैपेसिटर को बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। फ्रेंड्स देखिए कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है ये है ऊपर की तरफ और जो पॉजिटिव पॉइंट है ये है नीचे की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए यहां पर इस आईसी का 8 नंबर पॉइंट और इस आईसी का 8 नंबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद इस कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट हम लोग बोर्ड के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तार को सोल्डर करना है इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए यहां पर इस आईसी का 1 नंबर पॉइंट और इस आईसी का 1 नंबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें 1 तार को सोल्डर करना है इस पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम लोग इस पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये 2 तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का 2 तार, ये है नेगेटिव तार और ये है पॉजिटिव तार। तो दोस्तों ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट के साथ एलईडी बल्ब कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस सर्किट के साथ एलईडी बल्ब कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक ब्लैंक पीसीबी बोर्ड का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 3 पीस ब्लू कलर का और 3 पीस रेड कलर का एलईडी बल्ब। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें ये 6 LED बल्ब बोर्ड में ऐसे लगा लेना है। और फ्रेंड्स देखिए ये जो 3 ब्लू कलर का एलईडी बल्ब है, ये 3 ब्लू कलर का एलईडी बल्ब हमें सीरीज लाइन में कनेक्ट करना है। और दोस्तों देखिए ये जो 3 रेड कलर का एलईडी बल्ब है, ये 3 रेड कलर का एलईडी बल्ब भी हमें अलग से सीरीज लाइन में कनेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें इस बोर्ड को इस बोर्ड के साथ गम से ऐसे फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा 1 तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तार को सोल्डर करना है इस आईसी के 3 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसी तार को हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए यहां पर जो 3 ब्लू कलर का एलईडी बल्ब हमने सीरीज लाइन में कनेक्ट किया है उसके पॉजिटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा और 1 तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तार को इस आईसी के 3 नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर करना है। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए यहां पर जो 3 रेड कलर का एलईडी बल्ब हमने सीरीज लाइन में कनेक्ट किया है उसके नेगेटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए
अब हमें लेना पड़ेगा और एक तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तार को सोल्डर करना है इस आईसी के 3 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स उसी तार को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए यहां पर 3 रेड कलर का एलईडी बल्ब जो हमने सीरीज लाइन में कनेक्ट किया है उसके पॉजिटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमें लेना पड़ेगा और एक तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तार को सोल्डर करना है इस आईसी के 3 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है। दोस्तों देखिए यहां पर जो 3 ब्लू कलर का एलईडी बल्ब हमने सीरीज में कनेक्ट किया है उसके नेगेटिव पॉइंट के साथ। तो दोस्तों ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट का सर्किट डायग्राम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। दोस्तों इस सर्किट के साथ मैंने यहां पर एक 12 वोल्ट एडॉप्टर कनेक्ट किया है। तो दोस्तों चलिए अब हम स्विच ऑन करके देखते हैं। दोस्तों देखिए स्विच ऑन करते ही ये सारे एलईडी फ्लैश करने लगा। तो दोस्तों चलिए अब हम इस प्रीसेट को घुमा के देखते हैं। दोस्तों देखिए प्रीसेट को क्लॉकवाइज घुमाते ही एलईडी रनिंग स्पीड बढ़ रहा है। और दोस्तों देखिए प्रीसेट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते ही एलईडी रनिंग स्पीड कम हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने घर में एक पुलिस एलईडी फ्लैशर सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।